दोस्तों आज हम आए हैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद के ये बस अड्डा है, बस स्टैंड के सामने ही भैया लगाते हैं, छोटा सा कार्ड है, तो आओ भैया से बातचीत करते हैं और क्या क्या बनाते हैं वो देखते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? रेमपाल। रेमपाल नाम है। तो भैया कितने टाइम से लगा रहे हो आप? हो गए एक साल से। एक साल हो गए तो यहीं पे लगाते हो आप? अच्छा, क्या क्या चीज लगाते हो आप? बल्ले पापड़ी बैगले। तो सबसे बेस्ट कौन सा इनमें से? तो हमारे लिए ऐसा करो, एक प्लेट बना दो जो बेस्ट हो। तो ये भैया किसी का बना रहे हैं? ये दही बल्ले भैया, ये दही बल्ले बना रहे हैं भैया। जो बंदा बैठे ना, तो भैया कब से आ रहे हो आप? मैं भैया मुझे हो गए कम से कम भैया से 6 महीने खाते हुए। टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया, लाजवाब बनाते हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और यहाँ के एक बार खाओगे ना दोबारा आओगे। चलो भैया ने तो टेस्ट बिल्कुल ओके बताया, और भैया 6 महीने से आ रहे हैं, तो हम भी आज ट्राई करते हैं और भैया से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो भैया हमारे लिए बना दो, जो बढ़िया हो वो बनाओ आप। भैया बताते रहना क्या क्या डाल रहे हो। पापड़ी डाल दीजिए। ये बल्ला डाल दिया। ये बल्ला है। ये जीरा, नमक, मिर्ची, सारे मसाले मिक्स है। अच्छा, इसमें ये घर से बना के लाते हो? हाँ जी, ऑलरेडी। एक साल हो गया भैया आपको है? ये लोकेशन आपका यहीं पे ही है, एक बार लोकेशन बता दो। यहीं का बस अड्डे का एक नंबर। एक नंबर बस अड्डे का लोकेशन है ये, लोकेशन देख लो, ये बस अड्डा है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने लगाते हैं भैया। दही भी भैया मटके में रहते हैं। ये आपकी हरी चटनी होगी, ये मसाला फिर से आ गया। तो गाइस ये प्लेट लग चुकी है, तो मैं इसका टेस्ट करके बताता हूँ टेस्ट कैसा है। आ जाओ भाई। इसको बढ़िया से दही में डुबो के, और फिर पहले हम बल्ला ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम पापड़ी ट्राई करेंगे। गाइस टेस्ट बिल्कुल बढ़िया है, पापड़ी ट्राई करके बताता हूँ पापड़ी कैसी है इसकी। गाइस पापड़ी बिल्कुल करारी है, बिल्कुल मस्त है। अगर आपको यहाँ पे आना है और चीज बिल्कुल ओके है, बस अड्डे के सामने लोकेशन है, बस अड्डे के सामने भैया बिल्कुल लगा दें, और आओ भैया के पास बढ़िया से बढ़िया चीज ट्राई करो। और भैया नई नई चीजें लाते रहते हैं, ठीक है। आप आओ, बिल्कुल आपको चीज ओके मिलेगी, ठीक है। मैं मोबाइल नंबर भैया का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।